बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चीज़ी ब्रेड रोल। उसके लिए हमें चाहिए ईस्ट 1 टेबल स्पून, जो मैंने एक बॉल में ऐड कर दिया है, नमक 1 स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा नीम गरम कर दीजिए। 2 टेबल स्पून शुगर, 1 कप नीम गरम जो है वो दूध, 1 कप। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें। किस तरह हमने ये सॉफ्ट डो बनाई है, अभी बिल्कुल सॉफ्ट डो होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसे हम कवर करके 2 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो फूल जाए। अच्छी तरह से अब आपसे मिक्स कर देंगे, ताकि ईस्ट और नमक आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद 2 कप मैंने मैदा यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। एक डो की शेप देनी है हमें इसे। आप स्टेप बाय स्टेप अगर ये चीज़ें करती रहेंगी करेंगी तो इंशाल्लाह आपका फर्स्ट टाइम ही ये चीज़ी ब्रेड रोल बहुत बहुत सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। और जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी नीम गर्म है। अब इसे सॉफ्ट सी डो बना लें। अब फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसे सौते करना है। इतना सौते कर लें कि जो उनकी जो रॉ स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। उसके बाद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ मैं, 1 स्पून। इंग्रेडिएंट्स और मेथड मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, प्लीज़ आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद 1 कप चिकन ऐड कर रही हूँ मैं, जिसे मैंने रेशे रेशे कर दिया है। और सब इसे मिक्स करेंगे हम, ताकि चिकन की बॉयल की जो रो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और उसे अच्छी सी खुशबू आने लगे। बिल्कुल इजी मेथड है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। उसके बाद चॉप मैंने कैप्सिकम ऐड कर लिए हैं, 1 अदद। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। ½ स्पून काली मिर्च, नमक 1/2 स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 स्पून। अब हम मसालों को मिक्स कर देंगे आपस में। सोया सॉस 1 स्पून, सिरका 1 स्पून, चिली सॉस 1 स्पून,
अब दोबारा से हमें मिक्स कर देंगे। बंद गोभी डाल रही हूँ मैं अब। मसाले अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी टेस्ट के हिसाब से। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब 2 to 3 मिनट्स के लिए अब हम इसे कवर कर देंगे। अब जो मैंने डो बनाई थी तो उसके सिंपल से पेड़े बना दिए हैं मैंने, जिस तरह हम रोटी के पेड़े बनाते हैं। और पिज़्ज़ा प्लेट पे मैं ना ऑयल जो यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद एक पेड़ी जो मैंने बनाया था वो रोटी की तरह बेल लेंगे हम ऑयल से ग्रीस करके। दोबारा से मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। उसके बाद ये केचप है गार्लिक वाला, उसको स्प्रेड कर लें थोड़ा सा। चिकन थोड़ा सा इस पर स्प्रेड करेंगे साइड में। और चीज़ ऐड करने के बाद अब इसे रोल का शेप दे देंगे। ऑयल लगा हुआ है हमारा तो हमारे आराम से जो ना रोल का शेप दे देंगे। दोबारा से मैं दूसरा रोल बना रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह बनाना है, गार्लिक सॉस लगानी है, उसके स्प्रेड करनी है, उसके बाद चिकन ऐड करना है, उसके बाद चीज़ ऐड करनी है और रोल का शेप ऐड कर देना है। फ्रेंड्स हमारे चीज़ी रोल तैयार हैं। अब हम जो जर्दी का एग की जो जर्दी होती है वो ऊपर से लगा रहे हैं ब्रश की मदद से, बाकी रोल्स पे भी लगा देंगे। जस्ट जो मैंने वो एग की जर्दी ली है उसके बाद कलौंजी स्प्रेड कर रही हूँ मैं, एक ही जर्दी के ऊपर ही लगाना है ये हमें। और वाइट तेल वो भी स्प्रेड कर दूंगी साथ ही में। देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब ये वाइट तेल जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। उसके बाद एक डेगची में मैंने इनको जिस तरह दम के अलावा लगा देते हैं लगा दिया था 60 मिनट्स के लिए ताकि वो बेक हो जाएं। आफ्टर 60 मिनट्स देखिए हमारा रिज़ल्ट, कितनी प्यारे लग रहे हैं, इनका कलर देखिए
चीज़ी ब्रेड रोल हमारे तैयार हैं। ये कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। तो फाइनल लुक दिखा देती हूँ, यह है फाइनल लुक हमारे चीज़ी ब्रेड रोल का। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।